जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट, बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। ब्रिक्स देशों की सालाना बैठक में अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठा। स्टॉप। यह इस बात को रेखांकित करता है कि आतंकवाद और अफगानिस्तान के ताज़ा घटनाक्रम से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, कॉमा, बल्कि रूस और चीन जैसे देश भी चिंतित हैं। स्टॉप। यह चिंता इस अपील में स्पष्ट रूप से झलकी है, जिसमें ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनागाह बनने से रोकने की अपील की है। बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में सबसे ज़्यादा जोर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर रहा। स्टॉप। अगर उपलब्धि के लिहाज से देखें तो बैठक में आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीति बनाने पर सहमति बनी और इसके तहत एक कार्य योजना को हरी झंडी दी गई। स्टॉप। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स देशों में भारत ही आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। स्टॉप। अफगानिस्तान के घटनाक्रम भी भारत के लिए कम चिंताजनक नहीं है। स्टॉप। वहां भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा से लेकर तालिबान सरकार के साथ संबंध जैसे जटिल मुद्दों ने भारत के सामने संकट तो खड़ा कर ही दिया है। स्टॉप। जहां चीन और रूस ने खुलकर तालिबान सरकार समर्थन दे दिया है, कॉमा, वही भारत अभी तक देखो और इंतज़ार करो की नीति पर चल रहा है। स्टॉप। ऐसे में अफगानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ब्रिक्स समूह की घोषणा कितनी कारगर रहेगी, कॉमा, अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है। स्टॉप। यह तो पूरा विश्व जान और देख रहा है कि भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान है। स्टॉप। सीमा पार आतंकवाद का सिलसिला अभी भी जारी है, पर अब यह संकट इसलिए गहरा गया है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आ गई है। स्टॉप। भारत तत्कालीन तौर पर यह अंदेशा जता चुका है कि पाकिस्तान तालिबान लड़ाकों को कश्मीर में भेजेगा और अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा। स्टॉप। भारत की यह चिंता रूस और चीन भी समझ तो रहे ही हैं। स्टॉप। पर सवाल है कि क्या चीन इस मुद्दे पर भारत का साथ देगा। स्टॉप। चीन तो भारत के साथ खुद शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता आया है। स्टॉप। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द बना हुआ है। स्टॉप। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने शायद ही कभी पाकिस्तान की निंदा की हो। स्टॉप। जाहिर है, कॉमा, ऐसे में आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिक्स देश मिलकर काम कैसे कर पाएंगे। स्टॉप। ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प अच्छी बात है। स्टॉप। लेकिन बड़ी चुनौती इस संकल्प को व्यावहारिक बनाने की है। स्टॉप। पैरा। अफगानिस्तान अब आतंकवादियों का वैश्विक गढ़ न बन जाए, कॉमा, इसे लेकर सबकी नींद उड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र भी इस पर चिंता जता चुका है। ऐसे में ब्रिक्स समूह की भूमिका और प्रासंगिकता बढ़ गई है। स्टॉप। समूह के दो देश रूस और चीन तालिबान सरकार पर मेहरबान हैं। स्टॉप। इन दोनों देशों ने उसे समर्थन से लेकर हर तरह की मदद तक दी है। स्टॉप। गौरतलब है कि अमेरिका ने जिस हक्कानी नेटवर्क मुखिया को वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है, कॉमा, उसे तालिबान ने गृह मंत्री बनाया है। स्टॉप। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट सहित
कई दूसरे आतंकी संगठनों से तालिबान के रिश्ते कौन नहीं जानता स्टॉप। इसलिए चीन और रूस जैसे ब्रिक्स के ताकतवर सदस्य देश आतंकवाद पर लगाम कसने और अफगानिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह बनने से रोकने में कितनी और कैसी भूमिका निभाते हैं कौमा, यह देखना होगा। स्टॉप पैरा। सतत मूल्यांकन से निस्संदेह प्रतिस्पर्धा और प्रगति को प्रोत्साहन मिलता है। स्टॉप, यह प्रतिस्पर्धा का दौर है। इसमें हर निजी कंपनी और संस्थान दूसरे से आगे निकलने कौमा खुद को बेहतर बनाने की होड़ में देखे जाते हैं। स्टॉप, ऐसे में शिक्षण संस्थान क्यों पीछे रहें। स्टॉप, इसी के मद्देनज़र संस्थानों के सतत मूल्यांकन की भी पहल हुई। स्टॉप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानन परिषद यानी नैक का गठन किया गया। स्टॉप, यह परिषद राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों के विविध पक्षों का मूल्यांकन करती है। स्टॉप, उसके नतीजे भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई के तरीके, शोध अनुसंधान आदि में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। स्टॉप, शिक्षण संस्थानों में इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। स्टॉप, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस साल की वार्षिक भारतीय संस्थागत रैंकिंग जारी कर दी है कौमा, जिसमें फिर से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौमा मद्रास पहले स्थान पर है। स्टॉप, सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संस्थान का खिताब भारतीय विज्ञान संस्थान कौमा बंगलुरु ने हासिल किया है। स्टॉप, इसी तरह विश्वविद्यालयों में IISc कौमा बेंगलुरु को पहला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को दूसरा और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। स्टॉप, कॉलेज के दिनों दिल्ली के मिरांडा हाउस को सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। स्टॉप, इससे एक बार फिर स्पष्ट संकेत मिला है कि उच्च शिक्षा के मामले में दक्षिण भारत के संस्थान देश के दूसरे हिस्सों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टॉप पैरा। मगर अपने शिक्षण संस्थानों के इस गौरवगान के बीच हमें यह भी मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि जो शिक्षण संस्थान कुछ साल पहले तक उत्तम माने जाते थे कौमा, जिनकी तुलना लोग बाहर के नामी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से किया करते थे कौमा, वे अब क्यों बेहतर 10 की श्रेणी में कहीं नज़र नहीं आते। उनमें इलाहाबाद कौमा, अलीगढ़ कौमा, जयपुर आदि जैसे कई विश्वविद्यालयों के नाम गिनाए जा सकते हैं। स्टॉप, प्रतिस्पर्धा में वे क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं, इसकी कुछ वजहें सरकारों को अच्छी तरह पता है। स्टॉप, पैसे की कमी कौमा, शिक्षकों के खाली पदों का न भरा जाना कौमा, समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम शुरू न करना आदि इसके प्रमुख कारण हैं। स्टॉप, कुछ दिनों पहले खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करके बताया था कि देश के विश्वविद्यालयों में 40% से अधिक सीटें खाली हैं। उनमें से कई विश्वविद्यालयों में 60% से अधिक पद सालों से खाली पड़े हैं। स्टॉप, ऐसे में उन विश्वविद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन की भला कैसे उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप पैरा। जब दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों की सूची जारी होती है कौमा, तो शुरू के 10 की तो दूर कौमा 100 संस्थानों के बीच भी भारत का कोई संस्थान मुश्किल से कभी जगह बना पाता है। स्टॉप, उच्च शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वहां से नवोन्मेषी विचार और शोध अनुसंधान निकलेंगे कौमा,
मगर संसाधनों के अभाव में यह मकसद धुंधला ही बना रह जाता है। स्टॉप अपने संसाधन जुटाने के लिए विश्वविद्यालयों को स्ववित्त पोषी डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने पड़ते हैं। प्रयोगशालाओं का खर्च जुटाना उन्हें भारी पड़ता है। इस पर अध्यापकों की कमी। स्टॉप।